हेलो गाइस, माय नेम इज फौजिया एंड वेलकम टू माय चैनल फौजिया मेकओवर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके लिए एक स्ट्रेटनिंग का वीडियो लेके आई हूँ कि आपको टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है। बहुत से लोग हैं पार्टी में जाते हैं एंड बाल ऐसे फिजी रहते हैं। देखिए बाल आपको मैं बिफोर में दिखा रही हूँ कितना बाल फिजी है जो है, और बाल बिल्कुल भी जो है बाल बिल्कुल रफ हो चुका है ना। तो और इनको पार्टी में जाना है और पार्टी में इनको टेम्परेरी इनको जो है स्ट्रेटनिंग चाहिए। तो आपको टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनर से कैसे करनी? तो आपको सबसे पहले बालों में सीरम अप्लाई करना। सीरम से आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी बालों में। तो देखिए मैंने सीरम अप्लाई किया, सीरम मैंने स्ट्रिक्स का अप्लाई किया, स्क्रीनशॉट सारे प्रोडक्ट के लगा दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो जो मैंने यूज किया है। तो बहुत ही अफोर्डेबल स्ट्रेटनिंग मशीन से मैंने स्ट्रेटनिंग करना बताया है, केमई की मशीन जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, जो आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगी एंड आपको लोकल शॉप्स पे भी केमई की स्ट्रेटनिंग मशीन मिल जाएगी। एंड बहुत ही ईजी है स्ट्रेट करना जो है, और टेम्परेरी स्ट्रेट करके आपको पार्टी में कैसे जाना है ये आपको 24 आवर्स ये स्ट्रेटनिंग चल जाती है। तो देखिए ये मैंने स्ट्रेटनर यूज किया है, इस तरह से आपको पार्टीशन निकाल लेने बाल के। अब जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे पार्टीशन निकाल सकते हैं। मैंने ऊपर देखिए ऊपर के बालों को इस तरह से क्लिप कर दिया, नीचे थोड़े से बाल छोड़ के इस तरह से थोड़े थोड़े पोर्शन में आपको करना है। अगर आपको अच्छे से स्ट्रेटनिंग करने तो आपको पतले सेक्शन लेने, ज्यादा थिक सेक्शन आपको यानी मोटे सेक्शन नहीं लेने। तो यहाँ पे मैंने वीडियो स्लो करके देखिए दिखाया, इस तरह से एक हाथ में आपको कॉम रखना है टेलकॉम, और इस तरह से उसमें बालों को फंसाना है नीचे से और ऊपर से आपको स्ट्रेट करते जाना है। इससे आपको स्ट्रेटनिंग करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा एंड एक एक बाल आपका स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप कभी भी ऐसे बाल खुले करके बस जो लोग थोड़े थोड़े पोर्शन में कर लेते ऐसे कभी भी ना करें। इस तरह से ऊपर के बालों में क्लेचर लगा दे और नीचे के थोड़े पोर्शन लेके उनको भी आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में करना है। तो देखिए किस तरह से मैं स्ट्रेटनिंग करनी हूँ। और सीरम लगाना आपको बहुत ही जरूरी, सीरम लगाने से आपके बाल स्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं। फिर देखिए मैंने ऊपर की तरफ फिर थोड़े से बालों को पोर्शन को लिया है। इसमें मैंने बहुत वीडियो को फास्ट कर दिया है, जल्दी कर दिया है, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट आप लोग नहीं पसंद करते हैं तो हमें वीडियो फास्ट करनी पड़ती है। तो देखिए एक साइड पे मैंने थोड़े थोड़े पोर्शन लेके एक साइड पे स्ट्रेट में कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी पोर्शन निकाल के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पोर्शन निकाल के करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। और देखिए जहां जहां आपको स्ट्रेट चलाना है ना, अच्छे से आपको स्ट्रेटनर चलाना है, आपको कम से कम 5-6 बार आपको स्ट्रेटनर चलाना पड़ेगा। और देखिए जो सेक्शन है वो आपको ना थोड़ा पतला रखना पड़ेगा, तो आपकी स्ट्रेटनिंग जल्दी हो जाएगी। और इसमें टाइम तो लगता ही है, अगर आप सोचिए कि बहुत जल्दी बिल्कुल हो जाए 10 मिनट में तो नहीं डियर, इतना आपको इसमें 30 मिनट्स लग जाएंगे स्ट्रेट करने में। और इसमें ना लेंथ के अकॉर्डिंग भी होता है, बाल अगर आपके ज्यादा लंबे हैं तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, शॉर्ट है तो कम टाइम लगेगा। तो देखिए मैं स्ट्रेटनिंग कैसे करी। अगर आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे, इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि मैंने स्ट्रेट कैसे किया है। मैंने केमई की मशीन यूज की है स्ट्रेटनर की, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप मेरे चैनल पे ना लॉट्स ऑफ मेकओवर से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, पार्लर से रिलेटेड, फेशियल है, थ्रेडिंग है, वैक्स है, मेकअप है, एचडी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, लॉट्स ऑफ वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप चैनल को ओपन करके जरूर देखिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ भी कंफर्म करना चाहते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल है फौजिया मेकओवर, आप सर्च करेगा आ जाएगा, वरना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टा हैंडल का, मेरे बायो में भी लिंक है, तो आप वहां से भी मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा। और इंस्टा पे मुझे डीएम करिएगा, मैं सबके क्वेश्चन के आंसर्स देती हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो आपका पार्लर से रिलेटेड क्वेश्चन का, मेरे वीडियोस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है फौजिया मेकओवर, आप उस पे जाके मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से अपना नीचे जो लेंथ होती है वहां पे हमारी स्ट्रेटनिंग कम होती है, तो वहां पे हमें स्ट्रेटनर थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको एक हाथ में आपको कॉम रखना है, एक हाथ में आपको स्ट्रेटनर रखना है, राइट हैंड से आपको स्ट्रेटनर पकड़ना है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ में आपको कॉम रखना है ना। तो आप इस तरह से कॉम को अच्छे से नीचे से आपको कॉम करते जाना, ऊपर से आपको स्ट्रेटनर लगाना है, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो इधर के बाल देखे मैंने कर लिए हैं, अब मैं इधर के बालों में थोड़े थोड़े पोर्शन करके करने जा रही हूँ स्ट्रेटनिंग। तो कुछ वीडियोस मैंने कट कर दी है क्योंकि जो है बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाती, इतनी लॉन्ग वीडियो आप लोग नहीं पसंद करते हो। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिए, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट करिए। और भी बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको भी जाके देखिएगा। तो देखिए मैं कैसे छोटे छोटे पोर्शन निकाल रही हूँ और फिर ऊपर जो है
क्लच कर दे रही हूँ, तो इनको देर हो रहा था, तो लास्ट में मैंने जल्दी जल्दी से किया है, थोड़ा थिक पोर्शन लेके किया है। तो आप ना सेक्शन जो लीजिए वो थोड़ा पतले सेक्शन लीजिए, अगर आप पतले सेक्शन लेंगे तो आपकी स्ट्रेटनिंग जल्दी होगी और ज्यादा अच्छी होगी, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इनको लेट हो रहा था तो मैंने थोड़े फिर मोटे सेक्शन लेना शुरू किए क्योंकि इनको जल्दी भी थी और जाना भी था इन्हें पार्टी में। तो देखिए अब मैंने वीडियो कट करके मैंने पूरी स्ट्रेटनिंग कर ली, तो देखिए कितने अच्छे से बाल स्ट्रेट हो गए हैं बिल्कुल और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब मैंने फिर से सारे बाल स्ट्रेट करने के बाद फिर से एक बार इस तरह से स्ट्रेटनर चला दिया है नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे बाल ज्यादा मुड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये 24 आवर्स यानी 24 घंटे ये आपके चल जाते हैं आराम से, अगर आप लेटे वेटे ना, अगर आप लेट वेट चाहते हैं ना तो बाल थोड़ा उलझ जाते हैं। तो आपको ज्यादा इसमें काम नहीं करना है, ज्यादा आपको जो लेटना नहीं है। अगर आप पार्टी वेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं ये टेम्परेरी वाली, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी आपको जो है सावधानियां रखनी है, बस ये कि आपको ज्यादा लेटना वेटना नहीं है, ज्यादा बालों को वो नहीं करना है कि ना बाल उलझे ना। अगर आपके बाल नहीं उलझे तो ये 24 आवर्स 100% चल जाते हैं और ये टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छी होती है। जब भी आप पार्टी में जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग ही कराते हैं। तो अगर आप सैलून में कर रहे हैं, अगर आपका पार्लर है, आप अपने पार्लर में कर रहे हैं, तो आप भी कस्टमर को बता सकते हैं कि जो है ज्यादा इसमें लेटना नहीं है आपको, बाल उलझे ना, थोड़ा इस चीजों की आपको प्रिकॉशन रखनी है, सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जय। और फिर और आप लोग मुझे बताइए कि मैं कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, कौन से टॉपिक्स आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं और मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, मेकओवर से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, एंड अब तो शादी सीजन शुरू हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊँ पार्लर से रिलेटेड। तो इस तरह से देखिए मैंने जल्दी जल्दी से सारे बाल में फिर से एक बार स्ट्रेटनर चला दिया ताकि उनके बाल जो भी हल्के फुल्के मुझे मुड़े नजर आ रहे थे ना, मैंने उनको सही किया है। तो अब मैं आपको पूरे बालों को दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे बाल स्ट्रेट हुए, छोटी सी बच्ची है बहुत अच्छे। तो आप भी अगर पार्टी में जा रहे हैं तो इस तरह से बाल स्ट्रेट कर सकते हैं पार्टी वेयर, एंड ये काफी अच्छे लगते हैं बाल। तो देखिए मैंने बिफोर में देखा, बिफोर में आप देखिए बाल कैसे लग रहे हैं, कितने ज्यादा रफ हैं, कितने ज्यादा मुड़े हुए बाल हैं। और देखिए बिफोर में मैंने आपको दिखाया कि ये बाल कैसे हैं और अब आप उसका आफ्टर रिजल्ट देखिएगा, आफ्टर में देखिए बाल कितने शाइनी हो गए। तो आप सीरम लगाना, अब सीरम भी कोई भी यूज कर सकते हैं, बाकी मैंने स्टिक का सीरम यूज किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।